प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा ये एजेंसियां तय करेंगी। इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं। नमस्ते। दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद का साबरमती जेल से प्रयागराज तक सकुशल पहुंचना न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवालिया निशान लगाएगा बल्कि योगी सरकार के महोत्सव वाले प्रदेश पर भी एक दाग लगाएगा, क्योंकि सिर्फ अदालतों के भरोसे न्याय की उम्मीद बेमानी हो चुकी है और जनता फैसला ऑन द स्पॉट चाहती है। इसके साथ ही भारत की उस मीडिया पर भी धिक्कार है जो एक खूंखार अपराधी को बचाने के लिए गंदगी पर बैठने वाली मक्खियों की तरह उसे बैक कवर मुहैया कराती है। इसी मीडिया से प्रचार पाकर एक मामूली गुंडा बड़ा अपराधी बन जाता है और फिर देश की संसद और विधानमंडलों की शोभा बढ़ाने लगता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की 45 सदस्य एक टीम और 5 से ज्यादा सीनियर अफसर अतीक को साबरमती जेल से लेकर रवाना हुए थे, जो गुजरात से राजस्थान और मध्य प्रदेश के सड़क मार्ग से होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और अब प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी प्रयागराज का अतीक बेताज बादशाह रहा है और यहाँ के इलाके में उसकी दहशत का साम्राज्य आज भी कायम है। जो अतीक साबरमती से गाड़ी में सवार होते हुए खोपजदा था, यूपी बॉर्डर में प्रवेश करते ही उसकी दबंगई का असर चेहरे पर झलकने लगा है और अब मुझ पर ताव देकर बोल रहा है कि उसे किसी का भी डर नहीं है। अतीक की यह अकड़ न सिर्फ योगी सरकार के मुंह पर तमाचा है बल्कि संदीप निषाद और राघविंदर जैसे उन पुलिस कर्मियों का खुला अपमान है जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। साथ ही यह उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी विफलता भी है जो अपने ही शहीदों का बदला नहीं ले सकती है। यकीनन इससे पुलिस कर्मियों के मनोबल पर असर पड़ना तय है और उन अपराधियों के हौसलों को भी बढ़ाएगा जो पुलिस वालों को सिर्फ एक खाकी वर्दी से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। अतीक जैसे दुर्दांत दरिंदे की मौत की कामना सिर्फ उमेश पाल का परिवार ही नहीं कर रहा है बल्कि पूरा देश एक ऐसा न्याय चाहता है कि अतीक जैसा गुंडा फिर गुंडा बनने से 100 बार सोचे। इसमें हैरत नहीं है कि सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस गुंडे की बड़ी फिक्र सता रही है। इससे यह भी साबित होता है कि कैसे राजनीतिक पार्टियों से गुंडों को संरक्षण मिलता है। पर बड़ा सवाल यही है कि भारत के 26 से ज्यादा न्यूज चैनल्स की गाड़ियां अतीक के काफले का पीछा क्यों कर रही है। यह चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए न सिर्फ पुलिस के लिए परेशानी साबित करते हैं बल्कि अतीक जैसे गुंडे की सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका भी निभाते हैं। एक अनपढ़ गुंडा अतीक अहमद उत्तर प्रदेश से 4 बार विधायक और 1 बार सांसद भी बन चुका है। एक तांगे वाले के बेटे से लेकर माफिया बनने तक अतीक के गुनाहों का बही खाता बहुत लंबा है। अतीक माफिया दबंग गैंग लीडर और हिस्ट्री शीटर होने के साथ आतंक का दूसरा नाम है। यह उसी फूलपुर सीट से सांसद रहा है जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारों पर कुछ इस तरह नाचता है कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। अतीक की हनक और भोकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमे की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। खास बात यह कि योगी राज में भी जेल में रहते हुए वह अपहरण कराकर अगवा हुए शिकार को कैद खाने में बुलाकर उनकी पिटाई करता है और योगी का भी उस पर कोई खौफ हावी नहीं हो पाया है। ऐसे में अतीक को प्रयागराज जेल में डालने से उसे सजा मिल जाएगी या उसका आतंक खत्म हो जाएगा यह पूरी तरह असंभव ही लगता है। अतीक का बाप हाजी फिरोज भी अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अब अतीक भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। अतीक का छोटा भाई अशरफ सपा से विधायक है और इस वक्त बरेली जेल में बंद है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूट आउट केस में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका है और पत्नी साइस्ता प्रवीण फरार है। एजम और अबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में मौजूद है। प्रयागराज तक पहुंचने में पुलिस के पास महज कुछ घंटे बचे हैं। यह कुछ घंटे तो पुलिस के इकबाल को मजबूत करेंगे अथवा जनता में भय और चिंताओं का और संचार करेंगे, साथ ही योगी सरकार की इच्छा शक्ति के नतीजे भी लेकर आएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।